उत्तर भारत के मशहूर कजली मेले की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ हुई। शहीद स्थल हवेली दरवाजा से शुरू होकर शोभा यात्रा किरत सागर पहुंची, जहां भुजरियों का विसर्जन होगा। शोभा यात्रा के लिए नगर पालिका एवं जिला प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। कोरोना महामारी के कारण विगत वर्षों में इस मेले का आयोजन नहीं हो पाया है। शोभा यात्रा में मथुरा वृंदावन का मशहूर मयूर नृत्य व राधा कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रहीं। महोबा जिले के अलावा आसपास के जिलों से भी हजारों लोग आते हैं। शोभा यात्रा में 30 विद्यालयों की झांकी, 100 घोड़े, 3 ऊंट व हाथी शामिल थे। किरत सागर तट पर मेले के साथ 8 दिन रंगारंग कार्यक्रम होगा। इसमें मुंबई, कानपुर व लखनऊ के कलाकार धमाल मचाएंगे। बुंदेली लोक संस्कृति से जुड़े आल्हा गायन, सावन गीत, राई नृत्य, कछियाई फाग लोक नृत्य, लोकगीत, दीवारी नृत्य आदि के आयोजन चलेंगे। मेले में लगे झूले दुकानदारों ने डेरा जमा लिया है। कजरी मेले में मध्य प्रदेश के सागर के झूला संचालकों ने मेले में झूले लगाए हैं। मेले में ब्रेक डांस, ट्रेन, नाव, ज्वाइंट व्हील के अलावा बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं। इसके अलावा जादूगर व अन्य खेल तमाशों के आयोजन होंगे। कजली मेले में सबसे ज्यादा बिक्री देसी लाठी की होती है, जो कि बुंदेलखंड की एक पारंपरिक पहचान है। इस बार महंगाई के चलते ज्यादातर क्षेत्रीय व्यापारियों ने ही भागीदारी की है। दूर दराज के व्यापारी अनावश्यक आवागमन खर्च के चलते और उम्मीद से कम व्यापार के चलते मेले में शामिल नहीं हुए हैं। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए महोबा से कौशलेंद्र राठौर की रिपोर्ट।